एक तो 26 मार्च को लगा है ना कोविड टीका, दूसरा टीका 26 अप्रैल को लगा, तो एक ही महीने में दो दो टीके क्यों लगाए जा रहे हैं? प्रॉब्लम जो सभी बच्चों में आई है, इन्होंने एक महीने में दो दो कोविड-19 के टीके लगा दिए ना, उन्होंने इतनी गर्मी में इतने गर्म टीके क्यों लगा रही हूँ? ले गए कि उन्होंने पर्ची नहीं, उन्होंने देखा भी तक नहीं इसको, ये वो देखा तक नहीं, उन्होंने पर्ची तक नहीं बनाई उसकी, फिर उन्होंने बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बड़े दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। ये आरोप सुलह हल्के की अरला पंचायत निवासी महेंद्र सिंह का है, जिनके 14 साल के बेटे की स्वास्थ्य विभाग की कथित लापरवाही से मौत हो गई। महेंद्र गरीब परिवार से संबंध रखता है। उनका कहना है कि रविवार को उनके बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ गई तो वे उसे सिविल अस्पताल पालमपुर ले गए, लेकिन वहां बच्चे को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की बात कही गई। उसके बाद महेंद्र सिंह बच्चे को निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से टांडा रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। उस दिन ऐसा हुआ कि एक दिन पहले बीमार हुआ, शनिवार को, शनिवार बीमार हुआ, उस दिन छुट्टी थी, फिर रात को ज़्यादा बीमार हो गया, फिर यहाँ सुबह उसको सिविल हॉस्पिटल में ले गए। संडे को सुबह सिविल हॉस्पिटल ले गए, उसने उन्होंने पर्ची नहीं, उन्होंने देखा भी तक नहीं इसको, फिर वो देखा तक नहीं, उन्होंने पर्ची तक नहीं बनाई उसकी, फिर उन्होंने बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने बोला कि इन्होंने 160 पॉइंट बच्चे, उन्होंने फिर देखा मेरे बच्चे को, फिर उन्होंने 60 पॉइंट उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला कि इसको टांडा में ले जाओ, बस ये बात हो गई सारी। बीमारी ये थी, इसको बुखार लगे हुए थे, बुखार था इसको, मुंह में छाले आ रहे थे एक दो दो, बस टांडा में उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, टांडा ने उन्होंने अपना ट्रीटमेंट हम पहुँचा दिया, उन्होंने बोला कि हम ट्रीटमेंट चालू शुरू कर दिया, वो ठीक हो जाएगा, फिर उन्होंने बोला कि मेरे को मालूम नहीं हुई उन क्या करे क्या नहीं करे। उधर यहाँ की महिलाओं ने वैक्सीन को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि एक महीने में वैक्सीन के दो दो टीके लगाए गए थे, जिससे बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी। अब समस्या भी एक तो 26 मार्च को लगा है ना को टीका, दूसरा टीका 26 अप्रैल को लगा, तो एक ही महीने में दो दो टीके क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि बच्चे इतने, कोई एक जैसे तो है नहीं, कईयों में वीकनेस भी है, कई कैसे भी कमज़ोर है, कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि बड़ों को ना 3 महीने का फैसला दिया था कि 3 महीने के बाद एक टीका लगा रहे हो, दूसरा टीका जो वो 3 महीने के बाद लगा जा रहा था, तो अब इन छोटे बच्चों को क्यों के गंदे महीने में दो दो टीके लगाए जा रहे हैं? प्रॉब्लम जो सभी बच्चों में आई है, इन्होंने एक महीने में दो दो कोविड-19 के टीके लगा दिए ना, उन्हें इतनी गर्मी में इतने गर्म टीके क्यों लगा रही हो बच्चों को? कौन जिम्मेवार है, कौन सी सरकार जिम्मेवार है इसकी? जवाब देंगे ये विपिन देगा, जमाए जयराम ठाकुर देगा, ये नरेंद्र मोदी देगा वहाँ से जवाब इन बच्चों के मरने की? हमारे बच्चों का बुरा हाल है, दो 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 कोविड-19 के टीके ठोक दिए उन्होंने इकट्ठे इकट्ठे महीने में दो दो, क्यों लगाए पहले ये तो बताओ, वो क्यों लगाए उन्होंने? आपको बता दें कि पालमपुर अस्पताल में डॉक्टरों के कई पद खाली हैं, जिससे उपमंडल के हजारों लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अब सवाल ये है कि कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर खुद को नंबर वन साबित करने वाली सरकार को क्या अस्पतालों की ऐसी हालत नहीं दिख रही? क्या जो सुविधाएं सरकारी अस्पताल में लोगों को समय रहते मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं डॉक्टर्स और स्टाफ के अभाव में मिल सकती हैं? मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।